आप सबके संज्ञान में है कि किस तरह से 19 जून 2022 को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हिंदू होने का मजाक उड़ाया और कलमा पढ़ने को कहा। मौलाना अपने मन में हिंदू धर्म को लेकर किस तरह की मानसिकता और मलिनता को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया है? मौलाना हमारे देश में चुनी हुई सरकार और देश के संविधान पर अविश्वास जताते हुए उसका अपमान करते हुए कहते हैं कि हम अपना ज्ञापन यूएनओ में देंगे। इसका मतलब है कि मौलाना हमारे सरकार और संविधान में आस्था ही नहीं रखते। दिनांक 22 जून 2022 को एक प्रार्थना पत्र FIR दर्ज कराने के लिए शहर कोतवाली बरेली के साथ अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली को दिया था, लेकिन अभी तक इस विषय में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इस संबंध में रविवार तक इंतजार किया और रविवार दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता की जा रही है। पंडित जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो आप आमरण अनशन पर बैठने की बात कह रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि 19 जून को मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो, अगर आप विरोध कर रहे हो विरोध करिए, परंतु विरोध करने में आपने सारी सीमाएं लांग दी कि माननीय प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि आप कलमा पढ़िए। ये सब हमारे लिए बहुत आहत करने वाली बात है। दूसरे वो वही उसे अपने भाषण में कहते हैं कि हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जाती कि हिंदू लोग तो धमकी देकर कहते हैं हिंदू लोग ट्रेन जलाते हैं, परंतु हम लोग ट्रेनें नहीं जलाते, यानी मुस्लिम युवकों को ट्रेन जलाने के लिए उकसा रहे हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि हम ये ज्ञापन तो लेके आए हैं परंतु यहाँ नहीं देंगे, हम जरूरत पड़ने पर यूएनए देंगे, यानी हमारे देश के संविधान और हमारे देश की चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं है, वो विदेशों में जाकर हमारे देश की बदनामी के। तो उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में अनेक प्लेटफार्म है, हम अपनी बात अगर अधिकारियों से कहें ना सुने, हम न्यायालय जा सकते हैं, परंतु उन्हें किसी पर विश्वास नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी एक के नहीं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। आपको मालूम है नींबू पानी पर नौ दुर्गा रखने वाला संत, उससे कहा जा रहा है कलमा पढ़िए। ये कहाँ की न्याय संगत बात है? ये हम सब का अपमान किया है, उसने लाखों करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। अगर इस अपमान के बदले में अगर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जब तक FIR नहीं होगी, तब तक कल सुबह 10 बजे से मेरा आमरण अनशन शुरू होगा और FIR की कॉपी नहीं होने आने तक मैं वहां पर बैठो रहूंगा। तब तक नहीं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। मंदिर गेट पर टेंट लगाकर मेरा आमरण अनशन सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा सोमवार को 27 तारीख को। सफाई सबका हक है, अब केमिकल बेस्ड फ्लोर क्लीनर से घबराना हुआ बंद। हमें है आपकी सुरक्षा का ध्यान, फौना लाया है बिना केमिकल का फ्लोर क्लीनर सफाई की प्रायोरिटी के साथ कई आकर्षक कलर में और मनमोहक खुशबू के पिटारे के साथ, जो आप भुला ना पाए और हर पल दे ताजगी का एहसास। तो आज ही घर लाइए फौना फ्लोर क्लीनर। कॉन्टेक्ट करें 9897066784 या ईमेल करें